नमस्कार, आप देख रहे हैं दासुगम। जी हाँ, पेश है 15 नवंबर मंगलवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अफसरों ने आरक्षण नहीं रखा तो 93,000 बेरोजगारों की भर्ती अटकी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आखिरकार स्थगित करनी पड़ी विद्या संबल योजना। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की बड़ी लापरवाही की मार 93,000 बेरोजगार युवाओं के साथ साथ स्कूल के विद्यार्थियों पर पड़ी है। विद्या संबल योजना में स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की भर्ती में आरक्षण का प्रोविजन ही नहीं रखा गया। खबर लगने पर SC ST संगठनों ने CM और राज्यपाल तक शिकायत पहुंचाकर घोर आपत्ति जताई है। आरक्षण प्रावधान लागू नहीं करने पर मामला कोर्ट में भी जा सकता था। इससे पहले ही शिक्षा निदेशक ने आखिरकार इस भर्ती को स्थगित कर दिया है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब राजस्थान के हर जिले में जॉब फेयर लगाया जाएगा। गहलोत सरकार 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को दिलाएगी नौकरी। अब प्रदेश के हर जिले में रोजगार मेला लगेगा। गहलोत सरकार अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को रोजगार दिलाएगी। जयपुर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की ऑफिशियली घोषणा कर दी है। इसी मौके पर युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भी मौजूद थे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार के खिलाफ कर्मचारी जयपुर में डालेंगे महापड़ाव। राजस्थान के सरकारी और संविदा कर्मचारी प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में बड़ा महापड़ाव डालेंगे। साथ ही संभाग मुख्यालयों पर भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन तेज किया जाएगा। वेतन विहित संगति दूर करने, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाने, प्रमोशन, संविदा और ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाकर रेगुलर करने, पदनाम परिवर्तन जैसी मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत बोले पेपर लीक गिरोह का सफाया करेंगे। देश भर में पेपर आउट हो रहे हैं, राजस्थान की जेलों में सड़ रहे हैं नकल कराने वाले। वनपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के सवाल पर CM अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में पेपर लीक गिरोह का सफाया कर देंगे। पेपर लीक देश भर में हो रहे हैं, आर्मी में भी होते हैं। राजस्थान सरकार पेपर लीक करने वालों को जेल में बंद कर रही है। पेपर लीक करने वाले राजस्थान के जेलों में सड़ रहे हैं, बाकी राज्यों में छूट जाते हैं। यहाँ लोग समझ गए हैं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है। पेपर लीक करने वालों की गैंग बनी हुई है, देशव्यापी गिरोह बना लिया है। कई लोग पेपर लीक में एक्सपर्ट बन चुके हैं। हम पेपर लीक गिरोह का सफाया कर देंगे। CM अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित मेगा जॉब फेयर में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बड़ी बात कही है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन बिक रहा है बम बनाने का सामान। 5 एजेंसियां ढूंढ रही है एक सवाल का जवाब, रेलवे पुल पर धमाके के पीछे कौन। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन ट्रैक पर शनिवार रात सुपर पावर 90 डेटोनेटर से हुए ब्लास्ट ने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया है। पुलिस को रेलवे ट्रैक पर बारूद भी मिला है। NSG, NIA, IB की टीमें उदयपुर में हमले की आशंका को लेकर जांच कर रही है। इसके अलावा रेलवे पुलिस और उदयपुर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला इसीलिए भी बेहद संवेदनशील है कि PM मोदी ने 31 अक्टूबर को इस लाइन का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर मिल रहा है बम ब्लास्ट करने का सामान। मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान चौंकाने वाला सस मीडिया के सामने आया है। इंटरनेट पर ई कॉमर्स वेबसाइट पर ये पूरा सामान ऑनलाइन मिल रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पुलिस कर्मियों को रोडवेज पास 200 रुपए में मिलेगा, आदेश हुए जारी। राजस्थान में पुलिस कर्मियों को रोडवेज मासिक पास पूर्व की भांति 200 रुपए में ही मिलेगा। CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को रियासती दरों पर रोडवेज का मासिक पास उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रम में गृह विभाग ने संबंधित आदेश जारी कर कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर के कार्मिकों के लिए अस्थान पूर्व की भांति प्रतिमाह 200 रुपए निर्धारित किया है। निर्धारित 300 रुपए में से शेष 100 रुपए की राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत का बड़ा निर्णय, ऊंट पालक को मिलेंगे 5,000 रुपए, प्रस्ताव को दी वित्तीय मंजूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक राहत भरा निर्णय लिया है। CM अशोक गहलोत ने उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। इसके लिए 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं बच्चे की टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपए प्रत्येक पहचान पत्र के लिए, पशु चिकित्सक को 50 रुपए का मानदेय तथा ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में 5,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से ऊंट पालकों को आर्थिक संबल के साथ प्रोत्साहन भी मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, अलवर मथुरा के बीच नई ट्रेन शुरू, हजारों यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। राजस्थान के अलवर मथुरा के बीच नई ट्रेन शुरू कर दी गई है, इससे हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये ट्रेन जयपुर से मथुरा के बीच गांधीनगर, जगतपुरा, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, रामगढ़, अलवर, बेदम, गोवर्धन, डीग और भूतेश्वर स्टेशनों पर रुकेगी। साथ ही बाड़मेर जयपुर ट्रेन को सोमवार की सुबह अलवर, सांसद बालकनाथ ने अलवर जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगली बड़ी खबर, एटीएस एसओसी करेगी उदयपुर में रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट की जांच, सीएम गहलोत ने दिए निर्देश। उदयपुर में रेलवे ब्रिज पर हुई घटना की जांच एटीएस एसओसी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एडीजी एटीएस एसओसी अशोक राठौर के नेतृत्व में टीम घटना की जांच करने के लिए आज ही उदयपुर जाएगी। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, सातरा ने शिक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप, प्रिंसिपल ने जांच कमेटी के दिए आदेश। राजस्थान के अलवर जिले में एक सातरा ने सरकारी स्कूल में एक सातरा ने दो शिक्षकों पर आरोप लगाया है। इस मामले में उसने एलडीसी महिला शिक्षिका नीतू चौधरी को भी शिकायत दी, इस पर उन्होंने प्रिंसिपल से बात करने के लिए कहा। हालांकि बालिका ने प्रिंसिपल से शिक्षकों के खिलाफ आरोप लगाया है, मौखिक शिकायत भी की है। इस पर आपको बता दें कि प्रिंसिपल ऋषभ देव ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। अगली बड़ी खबर, वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय घेरा, नई कानून के तहत सजा की मांग की। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक बार फिर बेरोजगारों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। सोमवार को बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड दफ्तर का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। राजस्थान प्रदेश की अहम खबर, अब रोडवेज में हड़ताल हुई तो कटेगा वेतन। राजस्थान रोडवेज में कर्मचारियों को अब हड़ताल पर जाना भारी पड़ सकता है। नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक नतमल डिडेल ने एक आदेश जारी करके कहा है कि 24 नवंबर को हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों को काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत के अनुसार वेतन देय नहीं होगा। आदेशों में कहा गया है कि सरकार के श्रम विभाग के 7 जुलाई 2022 की अधिसूचना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट 40 कैरिज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय रोड के कार्यों को लोको उपयोगी सेवा घोषित किया है। ऐसे में इस अधिसूचना के प्रभाव में रहते रोडवेज का कोई भी कर्मचारी अधिकारी 24 नवंबर को राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के साथ हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। अगर हड़ताल पर गया तो वेतन भी कट सकेगा। अगली बड़ी खबर, तेज गलन वाली सर्दी के लिए रहे तैयार, दो दिन बाद और बढ़ेगी सर्दी। राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम एक बार फिर बदला है और रात के तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि अभी भी 20.0 डिग्री सेल्सियस से कम ही बना हुआ है पारा। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाने के साथ पूरे और इस पारे में गिरावट आएगी। 15 नवंबर को सिस्टम के जाने के बाद 16 नवंबर से एक बार फिर उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों में आने लगेगी, जिससे राजस्थान में सर्दी का असर अचानक बढ़ेगा और पारे में कमी आएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना भूमिहीनों को आशियाना का इंतजार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जरूरतमंद परिवारों को अपना आशियाना बनाने का सपना बन गया है। पूरे प्रदेश में भूमिहीन आवेदकों की संख्या 8000 है, जिसमें से 50% आपको बता दें कि श्रीगंगानगर जिले के आवेदक हैं। भूमिहीन आवेदकों के संबंध में जिला परिषद प्रशासन ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से बार बार आ रहे सवालों के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है। हालांकि इस संबंध में आपको बता दें कि साधारण सभा की बैठक भी मामला ये उठा था, जिसके बाद अब राजस्थान में 8000 भूमिहीनों को अपने आशियाने का इंतजार है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी खबर।